हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप, और स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक तो आपको थंबनेल और टाइटल को देखकर कुछ गेस हो ही गया होगा। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम करने जा रहे हैं कैन यू बी द पोकेमोन लेजेंड नाम का एक कंपटीशन टाइप का, जहां पे हम हमारे स्पेशल गेस्ट से 10 पोकेमोन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, और ये हम देखेंगे कि वो 10 आउट ऑफ कितने सारे आंसर्स ठीक दे सकते हैं। तो आज का हमारा वो स्पेशल गेस्ट और कोई नहीं बल्कि है अपने हे गाइस, मैं हूं साहिल, और सबसे पहले मैं यहां पे कार्टून लेजेंड्स को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा मुझे इस पोके क्वेश्चन बुलाने के लिए। तो कमेंट से स्वागत कीजिए अपने टून क्लैश का। और इस बात को बोलने के बाद मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि हमारे ही चैनल के किसी एक वीडियो में किसी एक बंदे ने कमेंट किया था ओपी बोलते टून क्लैश की चड्डी खोलते, तो वही कमेंट तुम लोग बार बार करके स्पैम कर दो। क्या बोला तूने? अरे भाई मजाक था, कोई ऑफेंड मत हो जाना। और ये वाला कमेंट तो बिल्कुल भी मत करना भाई, इतना लिख दो टून क्लैश एंड CLO ओपी, या फिर अगर फ्यूजन कर दे तो कैसा रहेगा, टून लेजेंड्स ओपी। हाँ ये बढ़िया है, नाइस, इट वर्क्स। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल खड़े हो सकते हैं। और हाँ भाई पता है तो सीरियस है, चल चल अब आगे बढ़। तो इस क्विज में बेसिकली हर एक क्वेश्चन के लिए एक पॉइंट टून क्लैश को मिलेगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 10 क्वेश्चंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए टून क्लैश अगर चाहे तो ऑप्शंस ले सकता है, बाकी सब डायरेक्ट आंसर के वे में उसको बोलना पड़ेगा। तो टून क्लैश के लिए जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द मेंबर ऑफ लेजेंडरी टाइटन्स कांट लर्न द मूव्स लॉक ऑन एंड सैप कैनन बाय लेवलिंग अप। यानी कि लेजेंडरी टाइटन्स के वो कौन सा मेंबर है जो कि लॉक ऑन और जैप कैनन जैसे मूव्स लेवलिंग अप होके नहीं सीख सकता। रेजी रॉक, सही है क्या? तो टून क्लैश का पहला आंसर यहाँ पे हो जाता है गलत, क्योंकि सही आंसर जो है वो बेसिकली ये है रेजी ड्रैगो। ए भाई ये क्या है, इसका अटैक मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं, ये तो चीटिंग है, ये बाबूराव का स्टाइल है। एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वार, यू नो। ठीक। तो टून क्लैश के लिए हमारा सेकंड क्वेश्चन ये जाता है कि ड्यू टू विच थिंग फाउंड इन हिसुई रीजन द मिस्टीरियस ब्लेसिंग्स इवॉल्व साइथर इनटू द रीजनल वेरिएंट क्लिवर्ड। यानी कि कौन सा ऐसा चीज है जो कि हिसुई रीजन में पाया जाता है जिसकी वजह से मिस्टीरियस ब्लेसिंग्स साइथर को उसके रीजनल वेरिएंट क्लिवर में विकसित कर देता है? पता नहीं। तो टून क्लैश इसका भी जवाब नहीं दे पाए। तो इसका सही आंसर है स्पेशल मिनरल्स। तो टून क्लैश के लिए जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि बाय यूजिंग विच एवोल्यूशन स्टोन मर्क्रो इवॉल्व्स इनटू हॉन्चक्रो। बाय यूजिंग विच एवोल्यूशन स्टोन, मतलब कौन सा एवोल्यूशन स्टोन यूज करके मर्क्रो को हॉन्चक्रो में इवॉल्व किया जाता है? आ गया, समझ में आ गया। हाँ बोलो, अब आंसर बोलो। इसका आंसर मुझे पता तो है लेकिन नाम मतलब प्रोनाउंस श्योर नहीं हो कि वो सही है। हाँ तक बोल दो, मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर दूंगा, मतलब आंसर ठीक होने से मतलब है। ऐसा कुछ करके शायद डार्क स्टोन, ये डार्क स्टोन ऐसा ही कुछ करके था। डार्क तो नहीं है, मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होता तब भी मैं बोल देता, फिर से एक बार ट्राई करना चाहो तो। इतना पता है डी यू है और के है, एक लेटर बस भूल रहा हूँ। हाँ ठीक ही बोल रहे हो, बीच का एक लेटर भूल रहे हो। हाँ तो टून क्लैश ने ये आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। तो 3 में से 2 आंसर गलत और 1 आंसर ठीक होने के बाद टून क्लैश के पास सिर्फ 1 पॉइंट है। टून क्लैश के लिए जाता है चौथा क्वेश्चन। नेम द 2 पोकेमॉन्स हु हैव डेफिएंट एबिलिटी एस ए नॉन हिडन एबिलिटी। वो 2 पोकेमॉन्स कौन से हैं जिनके पास डेफिएंट एबिलिटी तो है पर नॉन हिडन एबिलिटी की तरह नहीं है? डेफिएंट ये कोई एबिलिटी है भी पहले? हाँ हाँ भाई है, तो नहीं तो मैं क्वेश्चन थोड़ी पूछता। लेकिन नॉन हिडन नहीं है। यस, सोचना पड़ेगा भाई, गेस करना पड़ेगा। ज़ैपडॉस होगा क्योंकि ज़ैपडॉस के बारे में शायद। भाई तुमने क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं, मैंने बोला था नेम दी 2 पोकेमॉन्स और वो अलग अलग नहीं है, मतलब ये हिंट मैं तुम्हें दे सकता हूँ एक क्लू, क्योंकि जो 2 पोकेमॉन्स है वो कोई अलग अलग नहीं है, मतलब एक ही एवोल्यूशनरी लाइन से है वो 2 पोकेमॉन्स, इतना तो हिंट मैं दे ही सकता हूँ। एक ही एवोल्यूशनरी लाइन, अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन में तुम 4 ऑप्शन आराम से ले सकते हो मुझसे। एक मिनट, ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे पोकेमॉन के नाम पता है जिनके पास डेफिएंट है, लेकिन किसके पास 2 है और वो हिडन नहीं है? सबका तो हिडन ही है भाई। हाँ वही तो, 2 ऐसे पोकेमॉन्स भी है जिनका नॉन हिडन एबिलिटी की तरफ से डेफिएंट एबिलिटी है। ओके,
एक मिनट, हिडन एबिलिटी नहीं है वो। हाँ वो नॉर्मल है ना। हाँ नॉर्मल और डेफ। ओह आई गॉट इट। बोलो। टोर्नाडस, थंडरस और लैंडरस। नहीं गलत जवाब। कैसे भाई इस बार कैसे यार? इसका आंसर है पॉनियार्ड एंड बिशार्प। शिट सीरियसली नहीं। तुम तो बड़े भाई क्वेश्चन क्विज वगैरह किया फिरते थे अपने चैनल में हैं? तो भाई ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं पूछता था। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे हार्ड क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ मैं। 55 क्वेश्चंस में से सबसे हार्ड 10 क्वेश्चंस मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। सो टून क्लास से मैं एक और क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मली पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें पोकेमोन इतना ज्यादा क्यों पसंद है? मतलब मैंने फैंस देखे हैं बट इतना ज्यादा नहीं। पोकेमोन मुझे भी पसंद है बट तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है और तुम बाकी सब एनिमे छोड़ के पोकेमोन कुछ ज्यादा ही देखते हो जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पता है और तुम अपने चैनल में भी क्विज करते हो पोकेमोन के, तो वो मैंने देखा था जो भी हो। तो सिंपल वे में इसका प्लीज आंसर दे दो। पोकेमोन मुझे पहले से पसंद नहीं था, आई मीन मैंने 2017 में से देखना शुरू किया। उससे पहले मुझे लगता था कि ये बस एक बच्चों वाला शो है जहाँ पर पिकाचू आके बस कॉमेडी करता है। लेकिन एक दिन पता नहीं मेरे दोस्तों में कुछ बात चल रही थी पोकेमोन की, जब मैंने अटैक्स के नाम सुने लाइक हाइपर बीम, फायर ब्लास्ट, मुझे सच में देखना था कि भाई ऐसा भी क्या है पोकेमोन में, बच्चों वाले शो में ये सब। फिर मैंने पहली बार यहाँ पर पोकेमोन देखना स्टार्ट किया एंड इत्तेफाक से जो मैंने पोकेमोन का पहला एपिसोड देखा वो असल में ऑरेंज लीग का फाइनल था जहाँ पर एश ड्रेक के साथ लड़ रहा था। और उसके बाद जो मैंने देखा वो तो भाई और ही कमाल हो गया, वो कोई एपिसोड नहीं था। जब नेक्स्ट टाइम मैंने दूसरी बार पोकेमोन देखा तो पूरा मूवी था एक तरह से, आई मीन म्यूटू का बदला। एंड कालोस रीजन में जब मैंने यहाँ पे स्टीवन एंड अलान को देखा तो सच में भाई उसके बाद तो क्या ही कहूँ, मतलब पोकेमोन के लिए अलग ही क्रेज पैदा हो गया था क्योंकि आई थिंक स्टीवन एंड अलान आर द बेस्ट कैरेक्टर्स एवर इंट्रोड्यूस्ड इन द पोकेमोन एनीमे। इसलिए हमें मुझे पोकेमोन बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। बेसिकली मुझे पोकेमोन बस कुछ कैरेक्टर्स के कारण ही पसंद आया था लाइक स्टीवन, अलान, एश एंड सिंथिया। अच्छा ठीक। तो टून क्लैश के लिए पांचवा क्वेश्चन, नेम द सिंबल ऑफ बैटल अरीना विच एश गॉट इन द एनिमे आफ्टर डिफीटिंग बैटल टाइकून ग्रेटा। मतलब बैटल टाइकून ग्रेटा को हराने के बाद एश को जो सिंबल मिला था बैटल अरीना से, उस सिंबल का नाम क्या है वो तुम्हें बताना है। गट सिंबल। एकदम सही जवाब। तो टून क्लैश को अभी तक मैंने पूछे हैं पांच क्वेश्चन जिनमें से टून क्लैश ने दो सही जवाब दे के 2 points अर्न कर लिए हैं। तो टून क्लैश के लिए 6th क्वेश्चन, फ्रॉम विच रियल लाइफ एनिमल ड्राउजी इज इंस्पायर्ड। ड्राउजी रियल लाइफ एनिमल, शायद एलिफेंट हो, लेकिन अभी आंसर नहीं दिया है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ वो ठीक है, तुम टाइम ले लो अपना। एक मिनट, टेपिर ऐसा ही कोई जानवर है शायद। एकदम सही जवाब। अरे वाह तुक्का सही हो गया। हाँ हाँ तुक्का सही हो गया, वाइल्ड गेस इज द राइट आंसर। 6 क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए और उनमें से 3 सही और 3 गलत टून क्लैश ने दे दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो टून क्लैश के लिए 7th क्वेश्चन, नेम द ओनली पोकेमोन ट्रियो आफ्टर विच नेम्स ऑफ सम रियल लाइफ इंसेक्ट्स आर बेस्ड। मतलब उस पोकेमोन ट्रियो का नाम तुम्हें बताना है जिनके ऊपर कुछ रियल लाइफ इंसेक्ट्स का नाम बेस्ड किया हुआ है। रियल लाइफ इंसेक्ट्स। हाँ ये ट्रियो ऐसा नहीं है लेजेंडरी ट्रियो है, कोई भी हो सकता है लेजेंडरी में भी, as you know that यहाँ पे चार्जार्ड, ब्लास्टर्स एंड विनोसॉर। नहीं नहीं नहीं, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ, लेजेंडरी ट्रियो है। लेजेंडरी और वो भी इंसेक्ट। हाँ भाई कसम से पकड़ के मारने का मन कर रहा है। अरे मैंने ढूंढ निकाला है, मेरे को इन सब क्वेश्चंस को बनाने में भी पसीना छूट गया था। ओके फिर से एक वाइट गेस है। हाँ ठीक है बोलो अपना आंसर बोलो। क्रिएशन ट्री तो होने से, एक मिनट इंसेक्ट है। हाँ इंसेक्ट क्या हो गया यार। ओके लेजेंडरी बर्ड्स। एकदम सही आंसर। भाई तुम सोचना बंद करो और बार बार वाइल्ड गेस लगाना शुरू कर दो। 2 वाइल्ड गेस लगाए और 2 सही, मतलब गजब। इस बार तो सच यकीन नहीं हो रहा है। यस टून क्लैश ओपन इन द चैट गाइस। चलो ये तो सही हुआ, लेजेंडरी बर्ड सही हो गया। टून क्लैश के लिए जाता है अब 8th नंबर क्वेश्चन, सो व्हिच पोकेमोन्स स्पेशल मूव इज मीटियोर असॉल्ट। मीटियोर असॉल्ट, भाई मीटियोर मैश सुना है यार, ये कौन सा मूव? सोचो। एक मिनट, गैलार्जिन में है, देखा भी है। बैटल नहीं शायद, उस पोकेमोन का नाम क्या है, ऐश पकड़ा है उसको। टीटीआर क्या मुसीबत। बहुत करीब, बहुत करीब। देख लो आंसर
एक तरह से पता है लेकिन मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है। इतना पता है वो फारफेस्ट का ही एक तरह से कोई विकसित रूप है, लेकिन उस पोकेमोन को मुझे लेकिन नाम नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो फारफेस्ट से ही बिलोंग करता है। एकदम सही आंसर। तो टून क्लैश को मैंने अभी तक 8 क्वेश्चंस पूछे हैं और उसने 5 सही आंसर दिए हैं और 3 गलत। तो टून क्लैश के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पोकेमोन्स आर देयर इन कालोस इन टोटल। कालोस में कितने पोकेमोन है टोटल, नंबर गिन के रखो क्या? मेगा एवोल्यूशन का पता है 48 पोकेमोन है जो मेगा एवोल्यूशन है। अब भाई एक रैंडम गेस दोबारा, तुम वही करो, तुम्हारे लिए वो शुभ है। 100 एंड एक मिनट, नहीं अभी नहीं, जो गेस करते से पहले 98 सही है क्या? तो ये आंसर होता है गलत। तो इसका एक्चुअल आंसर है 72। इतने कम है भाई? हाँ भाई, क्योंकि कालोस रीजन में तो बेसिकली उसमें फोकस किया गया था ना मेगा एवोल्यूशन, जो कि कांटो और होएन से थे, तो उतने सारे दिखाए गए नहीं। अगला क्वेश्चन पूछो, 9th क्वेश्चन है नहीं है। वैसे तुमने अभी तक एक के लिए भी वो नहीं लिया ऑप्शन ऑप्शन। हाँ ठीक है, इसमें दे देना लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और टून क्लैश के लिए ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी ड्रेडिगन टेक्स सनलाइट टू कीप इट्स बॉडी वार्म। एक मिनट, पोकेमोन का नाम क्या बोला? ड्रेडिगन। मैं फिर से एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, ड्रेडिगन अपने कौन से बॉडी पार्ट से सनलाइट लेता है उसके बॉडी को वार्म रखने के लिए? भाई ड्रेडिगन कोई पोकेमोन है भी? अरे ड्रेडिगन 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 वो ड्रैगन टाइप पोकेमोन यार, ड्रेडिगन को भूलो मत, तुम्हें याद है ना? अभी तुम गलत बोल रहे हो भाई, उसका नाम ड्रेडिगन नहीं ड्रेडिगन है, या फिर उसको ड्रेडिगन बोला गया है। प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, वैसे कोई आरकीएस बोलता है कोई आरसीएस बोलता है, तो मैं पहले से ड्रेडिगन ही बोलता आ रहा हूँ, तो समझ गए हो? तो अब आंसर बोलो। Wings. एकदम सही आंसर, नाइस डन, तुम्हें ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो यस गाइस, टून क्लैश के लिए आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, यानी कि हमने 10 क्वेश्चंस उसको पूछ लिए हैं और उसने 10 में से 6 आंसर्स ठीक किए हैं, मतलब इसको मैं बोलना चाहूंगा गुड। बट कैन यू बिकम द पोकेमोन लेजेंड में 10 में से 8 मार्क्स एटलीस्ट लाना था, जिसकी वजह से उसको मैं पोकेमोन लेजेंड बोल सकता था, बट वो मैं अब नहीं बोल सकता, सॉरी गाइस, कोई ऑफेंड मत होना। और लेजेंड्स, ये बात मैं तुम लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जो 10 क्वेश्चंस मैंने टून क्लैश से पूछे हैं, उन 10 क्वेश्चंस में से तुमने कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक ठाक से दिए हैं या फिर तुमको आते हैं, और तुम लोगों ने टोटल में कितना स्कोर किया है वो भी हमें कमेंट में बता दो, और मुझे तुम लोगों पर भरोसा है कि तुम लोग ऑनेस्टली ही बताओगे। सो हाँ, मैं हूँ कार्टून लेजेंड्स ऑफिशियल और ये है टून क्लैश, और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। फाइनली पोके क्विज कंक्लूड होता है एंड सच में आप इस पोके क्विज में मुझे बहुत मजा आता है एंड आप लोगों से कम्युनिकेट करने में भी, एंड मैं जानता हूँ सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाए, बंदे ने कुछ ज्यादा ही टफ क्वेश्चंस पूछ लिए थे, बट यार जितना हो सका उतनों के जवाब दिए हैं मैंने। लेकिन हाँ, अंत में एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि प्लीज कार्टून लेजेंड्स का चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, मतलब कमाल की वीडियोस डालता है ये बंदा, हालत खराब करती पोके क्विज में। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल, और प्लीज तुम लोग मुझे ये भी कमेंट में बता दो कि तुम लोग क्या चाहते हो कि कैन यू बी द पोकेमोन लेजेंड में इसके बाद तुम हमारे साथ किस पोके ट्यूबर या फिर एनी ट्यूबर को देखना चाहते हो, और जिसको तुम लोग चाहते हो कि हमारे साथ आके इस कंपटीशन में भाग ले उसको भी जाके एक मैसेज कर देना कि कार्टून लेजेंड्स ऑफिशियल के चैनल में जाके इस कैन यू बी द पोकेमोन लेजेंड के कंपटीशन में भाग लो। सो गाइज, आज की वीडियो बस यही तक, आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर देना और टून क्लैश को भी सपोर्ट दिखाओ और हमको भी। बाय गाइज एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस।